एक आम शख्स वो मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए क्या कर सकता है वो कॉमें जिसके अफराद बचत नहीं करते उसके पूरे इकॉनमी के पास भी कुछ नहीं होता। एक सिंगल पर्सन की चॉइस का जो एग्रीगेशन है वही इकॉनमी है हमारी ये जो सारी गुफ्तु है ये जो मैंटरिंग है मुझे लगता है बजाते खुद अपनी जात में एक एंड बन गई दुनिया में ट्रेनिंग इंडस्ट्री में 95 परसेंट लोग सुनने के बाद उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता मैं इस फील्ड में ये समझाऊँ सर कि जब तक आप किसी फलसफे कंटेंट किताब इलम के साथ 15-20 साल नहीं जुड़े आपको नतीजा नहीं ले सकते अमूमन कोचिंग और काउंसलिंग के कोर्स उन लोगों को करने चाहिए जिनकी एमएससी साइकोलॉजी है बनने का कोई कोई मॉडल है ये साथ लेके चलना बजाते है, खुद एक है मर्द को अपनी जिंदगी की स्ट्रेटजीज में तय करना चाहिए कि मुझे फाइनेंशियली अमीर तो नहीं कम से कम खुशहाल ज़रूर होना चाहिए सर मेरा आपसे पहला सवाल है मैं चाहूँगा कि ये जो मेरी आपसे बातचीत है सर एक एक टर्म है इकोनॉमिक्स। अब मैं ये जानता हूँ कि आपकी डिग्री इकोनॉमिक्स की है और आपने इससे रिलेटेड चीज़ें बाहर भी कहीं पढ़ी हैं इकोनॉमिक्स ना ऐसे लगता है जैसे इकोनॉमिक्स मुल्क का ही मसला सिर्फ या इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें मुल्क की जिम्मेदारी में ही आ जाती हैं एक आम फर्द वाहिद, एक आम शख्स जो हमें सुन रहा है वो मुलक की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए क्या कर सकता है यानी एक फ़र्द वाहिद का ये एजेंडा वो अगर कुछ करना चाहे कि उसके मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो जाए हमारा सुनने वाली ऑडियंस वो क्या कर सकती सर थैंक यू वेरी मच मैं जो साथी बैठे हैं उनको खुश कहता हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है मैं इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहा हूँ और इस प्रोग्राम की जो ख़ूबी है वो इसकी एक डाइवर्सिटी है जिसमें वो चीज़ें जिनको हम अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं मसलन खाना पीना मसलन उठना बैठना वो सारी चीज़ें जो हमारी शख्सियत का एक उसको डिफ़ाइन कर रही हैं वो भी डिस्कस हो रही हैं उसके साथ एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हो रही है और मेरा ख़्याल ये है कि इसमें वो काम हो रहा है जो कि इंसान को बतौर पैकेज करना चाहिए हम एक पैकेज है ना आप अक्सर देखते हैं कि अच्छा भला आदमी जो है वो बैठा होता है डॉक्टर को बैठा होता है मैं अपनी बात कर लेता हूँ अफसर बैठा होता है वो यकदम उसको ना छींक आ जाती है वो ऐसी छींक मारता है कि उसके सामने सारे जो कागज़ हैं वो भीग जाते हैं अब आप उसके बाद आपने जो भी उसने काम की बात की बंदा नहीं सुनेगा कहते यार इस बंदे को छींक मारने तक का पता नहीं है तो ये सारा एक पैकेज है जिसको देखना है दूसरा जो इसका सर पर्पज़ है ना वो जो हायर लेवल का थोड़ा इंटेलैक्ट है मैं उसको ज़रा ऐड करूँगा वो ये है कि जिंदगी बुनियादी तौर पर हम सब मानते हैं कि है एक पेचीदा चीज़ अच्छा पेचीदा चीज़ ज़रूरी नहीं कि मुश्किल भी हो पेचीदगी और मुश्किल दो लहजा चीज़ें हैं कम्प्लेक्सिटी इस तरह होती है कि जिस चीज़ में ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंप्लेक्स होगी ठीक है मुश्किल छोटी सी भी हो एक फैक्टर बेस भी हो सकती है ठीक है मसलन आपको रात को नींद ना आए तो ये पेचीदा भी हो सकता है कि आपको पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन बाद में आपको सिंपल चीज़ भी लगती है कि नींद इसलिए आ रही खाना कुछ खा ली वजह पता तो मैं अक्सर पेचीदगी और मुश्किल को हम लोग मिक्स करते हैं पेचीदगी का जो हल है वो सिम्प्लिसिटी है कि या तो सिम्पलिसिटी अज्यूम की जाए और या सिम्पलिसिटी को बीच में से डराइव किया जाए हम आमतौर पर करते ये हैं कि हम ना किसी भी चीज़ को सिम्पलिसिटी को अज्यूम कर लेते पाकिस्तान के मसाइल है ना जी हम कहते हैं वो पाकिस्तान के मसाइल का सर सारा हाल ही के ना दो गुजार बंदे को ना समुंदर में पहनते ठीक है तो हमने एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एड्रेस किए बग़ैर सिंपलिसिटी को ज्यूम कर लिया अच्छा सिंपलिसिटी जो है ना वो बिकती बहुत है शॉर्टकट जो है वो बड़ा इजी टू सेल है आपको कोई हमें कह कि यार जो ना आप कल से एक बात मैं बता दूंगा ना तो अब बस आप देखें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी तो वो वो आपको भी अच्छा लगेगा मुझे भी अच्छा लगेगा लेकिन क्या उसने उस सारी कंप्लेक्सिटी को सॉल्व किया हो सकता है वो एक बात भी अहम हो वो इसलिए कि वो एक मुश्किल ऐसी हो जो कि उस मुश्किल का हल एक ही चीज़ में पिन्ह जैसे आप अपने बेटे के बारे में बता रहे थे वो नाखून काटता था उसने तो तो कहा जी उसके साथ टाइम स्पेंड किया करें अब वन वे में एक प्रॉब्लम एक सोलूशन सिंपल आप जी लेकिन कई प्रॉब्लम जो है ना वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं उ, और हम हम जब मार्केट में लोगों से पूछें मार्केट का मतलब ये होता है आपके घर आपके इर्द गिर्द हम एक सोशल इन्वायरमेंट रखें तो वहाँ पे ना सिंप्लिसिटी होगी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटी लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी होता है ना वो कम्प्लेक्सिटी को इग्नोर नहीं कर सकता आप लोग अपने दफ्तरों में हैं वो एक कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है आप उसको जब इग्नोर करेंगे ना तो वो आपको फिर बाद में किसी टाइम पर स्ट्राइक करेंगे तो हमारी गुफ्तगु जो है वो इस चीज़ पर है कि कम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड किया जाए उसको एड्रेस किया जाए लेकिन उसकी जो प्रजेंटेशन हो ना वो सिंपल हो क्योंकि दुनिया में जो बंदा मैं तो इसका बहुत बड़ा कायल हूँ दुनिया में जो बंदा पेचीदा मसले को समझ कर आसान एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको समझ ही नहीं आई वाह ज़बरदस्त किसी पेचीदा मसले को समझ तो समझ, समझ कर आसानी से एक्सप्लेन तो तो नहीं कर सकता उसको समझ ही नहीं आई ठीक है अगर आप मैं आपको बता नहीं सकता फिर मुझे खुद भी समझ नहीं आई ठीक है मैंने फिर इसका मतलब उसको सही समझा नहीं लेकिन मैं पेचीदगी को इग्नोर नहीं कर सकता ज़िंदगी में पेचीदगी को आपके जो रिश्ते हैं अपनी फैमिली के साथ वो एक पेचीदा इंटरप्राइज़ है आपके जो दफ्तर हैं ये एक पेचीदा है काम आप हमारा जो माशरा है पेचीदा इंतहाई पेचीदा है वो पेचीदा क्यों तो है अगला सवाल अ कहते हैं वो पेचीदा इस तरह कि वो पाकिस्तानी जी हम हैं ही ऐसे नहीं हम जहाँ भी इंसान होंगे दोस्त से ज़्यादा ना वो पेचीदा ही होंगे कोई उसमें कोई ऐसी फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी चीज़ पे मोल्ड होंगे तो यहाँ से मैं लिंक करूँगा इकनॉमिक्स के साथ सो so, इकनॉमिक्स जो है वो भी एक पेचीदा सिस्टम को एड्रेस करती है और वो ये कोशिश करती है कि उस पेचीदगी को कोई सिस्टम का नाम दे दे क्योंकि अगर लोग उसमें कॉमनलिटीज ढूँढें कॉमनालिटीज़ ये होती हैं कि जी हम ये कह दें कि अगर हमने ए काम किया तो उसके नतीजे में बी होगा लेकिन ए काम के नतीजे में बी तो तब होगा ना जब सारे लोग उस ए को फॉलो करेंगे मसलन इकोनॉमिक्स ये कहती है कि चीज़ों की अगर कीमतें बढ़ जाएँ तो लोग उसको खरीदना कम कर देंगे लेकिन हर चीज़ पर तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होती क्यों नहीं होती इसलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेसेसिटीज़ हैं गंदम जितनी भी महंगी हो जाए आप ख़रीदेंगे तेल जितना भी महंगा हो जाए खरीदेंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शो ऑफ के लिए ख़रीदी जाती हैं मैं तो इसका मतलब ये होगा एक्सेप्शन क्रिएट होगी तो अब ये जो इकोनॉमिक्स की कम्प्लेक्सिटी है ये हमें इसीलिए जो जो चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है ना वो उसको सीखना फिर मुश्किल होता चला जाता अच्छा इसमें एक और एक और नुआंस दूँ -दू। आप लोगों ने ना मेरे लिए मेरी तरफ़ से आज के गुफ्तु का जो हासिल है ना वो एक लफ्ज़ है नोसड ठीक है नो कहते हैं बारीकी को ठीक है नो कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो के आम तौर पे शायद आप ओमिट कर दें किसी ऐसे फ़र्क को जो वैसे नज़र नहीं आ रहा तो ये याद अगर करें इस पे सोचें कि हमारी सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी नोस्ड हैं वो ब्लैक वो ग्रे हैं ब्लैक एंड वाइट नहीं है उसमें क्लैरिटी नहीं उसमें क्लैरिटी नहीं वो ढूंढनी पड़ेगी और फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्लैरिटी मतलब फर्ज करें आ भी नहीं सकती अक्सर मज़ामीन के बारे में बात करें ना तो लोग कहते हैं यार इंग्लिश आसान है हिस्ट्री बड़ी आसान है जी और इकनॉमिक्स और फिज़िक्स बड़ी मुश्किल है हालाँकि दोनों टाइप के मजमून इक्वली कॉम्प्लेक्स है फ़र्ज़ फ़र्क़ सिर्फ ये है कि जो हिस्ट्री की जारगन है ना वो हमारी कॉमन में आ जाती है जारगन जार्गन जारगन जार्गन है ना वो हमारी कॉमन में, में आ जाती है वो हमारी मेमोरी में आ जाती है वो मैंने अक्सर सोचा मैं वैसे मुझे तारीख से सिर्फ शौक़ है मेरा मेरे जो मजमून है वो इकनॉमिक्स और कानून है लेकिन मैं अब ज़्यादा टाइम जो मेरा तारीख की गलती दुरुस्त करने में गुजर जाता है <laughs> <laughs> ये बताने में कि जनाब अर्तग्रल जो है ना वो ये नहीं है असल जो वो एक कहानी है ठीक है बड़ी अच्छी कहानी है लेकिन सल्तनत उस्मानिया जो है वो दुनिया की शान सल्तनत ज़रूर है अब ये दोनों चीज़ें ठीक है नुआंस इसमें ये है कि उसकी ग्रोथ जो है वो बड़ी समझे स्लो और इर्तका के नतीजे में हुई और सलमान दिन मैगनीफिसेंट के दौर में वो अपने रूज पे भी पहुंची और वैसी सल्तनत दुनिया में कम रही ये भी ठीक है लेकिन ये भी ठीक है कि हर तक्रल की जो लाइफ है ना उसके बारे में एक्चुअली हमें ज़्यादा नहीं पता और उसकी जो इम्पेक्ट था वो उस वक्त इतना नहीं था उसकी लेगेसी बहुत बड़ी थी तो एक बंदे की अपनी लाइफ बड़ी नहीं होती उसकी लेगेसी बाद बाज़ा बहुत बड़ी हो जाती है अब हम लाइफ और लेगेसी का फ़र्क जब समझाएँगे कि आप के जो वालद हैं और मेरे जो वालद मेरे वालद तो नहीं मेरी वालदा हैं और मेरे वालद जल्दी हम उनकी लेगेसी हैं अब उनकी लाइफ को देखें तो वो लाइफ तो बड़ी आम सी लाइफ है हमारे मुकाबले में लेकिन उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी पे फिल्म बनाएं तो उसमें कोई ऐसी कोई ड्रामा नहीं है बड़ी खूबसूरत बात है बस उनकी ज़िंदगी में इतना ड्रामा नहीं है अगर उनको अर समझा जाए हमारी जिंदगी हमारी जिंदगी में ड्रामा है लेकिन कल को अगर मेरा आपका पोता जो है वो ये साबित करे कि हमारे हम उस वक्त भी इतने ही अजीम थे तो वो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट होगा लेकिन उसको अगर ये इंटरप्रटेशन करें कि हाँ वो इतने अच्छे आदमी थे कि उन्होंने जो बीज लगाया उसका जो पौधा था वो ये पहुंचा लेकिन हमें जब किसी को हीरो बनाना होता है ना तो हम उसका जो बीज है ना उस पर इक्तफा नहीं करते हम कहते हैं कि उसका पौधा भी बहुत बड़ा था तो अब ये है सारी इसकी नूआस तो वो अक्सर लोग कहते हैं हिस्ट्री आसान है हिस्ट्री भी आसान नहीं है सिर्फ ये है कि उसकी कॉमन जारगन सबको पता चल जाए जिनको आसान लगती है उनको फिजिक्स बड़ी आसान लगती है क्योंकि वो उसकी जारगन को इम्प्रेस कर लेते हैं इसी तरह इकोनॉमिक्स की भी एक जारगन है वो जारगन की वजह से ना एक बैरियर है जारगन को थोड़ा सा बता अच्छा जारगन ये है कि किसी भी मज़मून की एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है हर मजमून की हर हर शोबे की एक लैंग्वेज है बिज़नेस की एक अपनी लैंग्वेज है डॉक्टरों की एक अपनी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज जब आप कोई इल्म सीख रहे होते हैं ना तो उसका जो सबसे बड़ा जो बैरियर होता है ना वो ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट को छोड़ के लैंग्वेज में फंस जाते हैं और वो जो लैंग्वेज है ना वो बाहर वाले लोगों को आने से रोकती है अच्छा आप इकोनॉमिक्स वाले से बात करें ना वो फौरन ही आपको कहेगा नहीं ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना ये इस तरह नहीं होती अब आप उसने आपको ना आउट कर दिया अपनी गुफ्तगु से अब पहले जाएँ आप मार्जिनल यूटिलिटी सीख के आएँ और उसके बाद फिर उससे डिस्कशन शुरू करें हो सकता है आपकी जो अंडरस्टैंडिंग उससे बेहतर हो लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग को जो ज़ुबान देते हैं ना वो जारगन होती है तो इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे मुझे तो अच्छा ही मजमून लगता है वो इसलिए कि ये वो काम है जो हर बंदा पैदा होने से फौत होने तक जो काम करता है जो डिसीजन लेता है वो सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं सारे के सारे और इकोनॉमिक डिसीजन की एक बहुत ही बुनियादी एक रूह जो है ना उसकी वो ये है कि आपकी मेरी और वही फुलिया मुल्क पे अप्लाई होता है ख्वाहिशात जो हैं वो लामहदूद हैं और वसायल जो है ना वो महदूद हैं लामहदूद ख्वाहिशात के वसायल महदूद वसायल के साथ तोजन करने का नाम इकोनॉमिक्स और ये यूनिवर्सल है आप कभी नहीं कह सकते कि मेरी ख्वाहिश नहीं है ठीक है आप कह नहीं सकते कैसे बन आपकी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी लेकिन क्या आप ये नहीं चाहते कि सारे इंसान खुशहाल हो जाएं आप फ़र्ज़ करें मलंग है आप एक झोंपड़ी में रहते हैं लेकिन अगर आप आपने अकल सलीम है तो आपको कोई कहे कि बाबा जी ये बताएं कि लोगों की ग़ुर्बत दूर हो जाए तो कैसे आपके हो जाए मुझे नहीं चाहिए लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लोग खुशहाल हो जाएँ तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी ख्वाहिश ख्वाहिशा है या इजमाही है लेकिन होगी ज़रूर लेकिन होगी जरूर क्योंकि अकल सलीम का मतलब ये होगा कि आप ये ज़रूर चाहेंगे कि लोग बेहतर हालात में ज़िंदगी गुजार हाँ आप कहेंगे यार मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं मैं अपने जब हम ट्रेनिंग में थे तो अब्दुल रिदी साहब से भी मिला तीन चार दफ़ा डॉक्टर दीप रिजवी से मिला जो बहुत अजीम लोग थे और हैं तो उनकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं उनको ना कपड़ों का शौक है ना किसी चीज़ का और भी हैं सूफियाँ लेकिन उनकी दुनिया के लिए तो ख्वाहिश है इसका मतलब अगर हम उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कोई मसला बताएं तो उनके सामने भी एक इकनॉमिक मसला ही आएगा कि मेरी ख्वाहिशात ज़्यादा हैं और वसायल का तो जो मुल्क है ना उसके भी ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं मुल्क चाहता है कि वहाँ पर ट्रेनें दौड़ें जहाज़ हों सड़कें बने हस्पताल बने फ्री एजुकेशन हो फ्री हेल्थ हो लोगों को वजीफ़े मिलें और जो मैं वसायल होते हैं महदूद होते हैं जो घर में आप बैठते हैं तो तब भी आपका दिल चाहता है कि लहरें बहरें हो जाएं हर तरह और आपके जो वसाइल हैं वो महदूद होते हैं उन महदूद वसाइल के दरमियान में जो आपकी मैनेजमेंट है ना वो उसका नाम है, नाम है अगर अब इसका इनका लिंक क्या है एक चीज़ होती है उसे कहते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स ठीक हो गया जी लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स लॉ ऑफ लार्ज, लार्ज नंबर्स ये कहता है कि आप अकेले बंदे ये पढ़े लिखे लोग हैं ना थोड़ा सा इनको मुश्किल थोड़ा सा मुश्किल नहीं लेकिन थोड़ा सा सीरियस लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये कहता है कि आप एक बंदे के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते आप एक बंदे को उठा लें ना तो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते दो को उठा लें तो मुश्किल हो जाएगा जू जूँ नंबर ग्रो करता जाएगा ना पैटर्न बनता जाएगा तो दस लाख बंदे उठा लें तो आपको पता लगेगा कि सात लाख बंदे जो है ना वो एक तरह बिहेव कर इसलिए जब हम ये कहते हैं ना कि ये चीज़ बताइए कि जी क्या ज़्यादा है मतलब हम ये ये चीज़ ये आम है तो हम ये कहते हैं ये ज़्यादा लोग ज़्यादा वक्त एक चीज़ करेंगे उसको हम आम कहेंगे ज़्यादा लोग ज़्यादा वक्त अगर कम क्योंकि वो लार्ज नंबर के तहत वो एक पैटर्न बनेगा तो अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो अपने टांगों के अंदर अपने चादर देखकर कर पाँव फैला रहे हैं ना तो वो मुल्क भी वैसा ही हो क्योंकि उसका नतीजा ये होगा कि वो सेविंग कर रहे होंगे जब वो सेविंग कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली उनकी जो सेविंग है वो किसी न किसी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाए किसी ना किसी फॉर्म चाहे वो बैंक में रखें चाहे वो स्कीम में लगाएँ चाहे वो प्लॉट खरीदें या चाहे वो इमरजेंसी में रखें तो जो लोग सेव करेंगे वो मुल्क भी ऊपर होगा तो आपको और हमें पता है ना हम से हमारा सेविंग रेट कोई भी नहीं है हम कोई सेव शेव नहीं करते उसकी वजह से हमारे जो हालात भी ख़राब रहते हैं मुल्की और मुल्की क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक है क्योंकि हमारी जो सेविंग है उसने किसी न किसी हवाले से इन्वेस्टमेंट में जाना है और हमारा जो दीन है उसका फार्मूला भी यही है क्योंकि अगर आपने सेविंग कर ली और आपने इन्वेस्टमेंट ना की तो इसका मतलब है कि ज़क़ात से वो कम होना शुरू हो जाएगा अगर इसका मतलब यह कि आपको कंपल्शन है कि अब आप इन्वेस्टमेंट करें तजारत करें या कुछ करें तो उसके नतीजे में एक इकानोमी लेकिन अगर आप क्योंकि कंजम्पशन पे ना कोई टैक्स होता है ना कोई ज़क़ात होती है जो आपने खर्च कर लिया वो तो आपने खर्च कर लिया ऑल द हुकूमत सेल्स टैक्स के नाम पे आपसे ले लेते तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो कौमें जिसके अफराद बचत नहीं करते उसके पूरे इकॉनमी के पास भी कुछ नहीं होता क्योंकि वो सारी बचतों ने इकट्ठा हो गया इकॉनमी वगैरह तो ये लिंक है एक बंदे का और दूसरे बंदे का मसला अभी हमारी हुकूमत को यही मसला है कि हम इम्पोर्टेड गुड्स हर कीमत पे लेते हैं हम हर कीमत पे लेते हैं हम हर चीज़ कोशिश करते हैं इम्पोर्टेड लें कपड़े चीज़ें तो ये चीज़ें जो हैं ये ट्रांसफ़र हो रही हैं फिर ऊपर क्योंकि अगर आप मार्केट में कोई चीज़ लेके चले जाएं और आप कहें कि यार ये मैंने चाहिए तो आप एक बंदे के लिए तो शायद वो ना लाए सौ बंदे चले जाएंगे वो आपको अरेंज कर देगा बाहर से ले जाएगा हाँ बिल्कुल हाँ? ठीक इम्पोर्ट करेगा हाँ वो और वो इम्पोर्ट नहीं सबल कर लेगा हाँ? जिस चीज़ की आपकी डिमांड क्रिएट हो जाए ना वो मार्केट में आनी ही आनी होती क्योंकि उसमें जो सप्लायर होता है उसको मार्जिन होता है आप अभी डिमांड क्रिएट कर लें कि मुझे टैंक चाहिए वो तो चलो इलीगल है लेकिन मुझे कोई खलाई रॉकेट चाहिए पाकिस्तान में और इनफ डिमांड हो वो आ जाएगी आप देख लें आप इधर घरों में आप देखें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं बंदा हैरान हो जाता है लोगों ने डिमांड क्रिएट उसका नतीजा क्या हो रहा है उसका नतीजा ये हो रहा है कि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर हो तो इंडिविजुअल की च्इस से सारी की सारी इकोनमी पे रिफ्लेक्ट हो जाए आपने आज जो काम करना है आप जिस तरह के आप कपड़े पहनते हैं जिस तरह के आप खाना खाते हैं जो भी आप करते हैं वो आपने रिफ्लेक्ट होनी आप चीनी ज़्यादा खाएंगे तो चीनी का बहरान आएगा जिन जिन जगहों पे गुड़ खाया जाता है वहाँ पे चीनी का बुरा नहीं होगा गुड़ का होगा <laughs> वो थोड़ी देर बाद <laughs> सही ठीक हो गया अब आप मार रोज़ों के दिनों में पकोड़े खाएंगे तो बेसन महंगा होगा तो ये इंडिविजुअल्स की जो चीज़ें हैं वो ट्रांसलेट हो रही हैं सिगरेट पियेंगे तो इकॉनमी में सिगरेट ज़्यादा आ जाएंगे सो so, एक सिंगल पर्सन की चॉइस का जो एग्रीगेशन है वही इकॉनमी है तो जब भी आप कोई डिसीजन लें इकोनॉमिक डिसीजन अब इकोनॉमिक डिसीजन सिर्फ एक लाइन बोलूं इकोनॉमिक डिसीजन हर वो डिसीजन है जिसके नतीजे में आप कोई चीज़ खर्च कर रहे हैं और खर्च करने के लिए जो सबसे आम चीज़ है ना जी वो पैसा है पैसे को खर्च करना का पता नहीं चलता लेकिन असल में हम खर्च कुछ और कर रहे हैं और वो हम करते हैं वक्त वो यस सही तो उस पैसे को किसी वक्त के वज लिया हाँ ठीक बात हर वो चीज़ जो हम खर्च कर रहे हैं वो आपका इकोनॉमिक डिसीजन है आप टीवी देखते हैं ये आपका इकोनॉमिक डिसीजन है आप कहते हैं जो टीवी वी क्या है ढाई सौ रुपये की केबल ही है ना सारे लोग ढाई सौ रुपये की जब केबल देखते हैं तो उसके नतीजे में मीडिया इंडस्ट्री चलती है जो ढाई सौ अरब रुपये की है ठीक हो गया वही ढाई सौ रुपया ढाई सौ रुपये सही जी मैं ये मैंने नेटफ्लिक्स का कनेक्शन लिया हुआ है उसका टोटल पंद्रह सौ रुपये में देता हूँ उस पंद्रह सौ रुपये देने के नतीजे में जो नेटफ्लिक्स चल रहा है वो अब ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है मैं जो जायज़ का पैकेज़ नहीं नाम लेता कोई भी पैकेज इस्तेमाल करता हूँ कितना को तो पाँच सौ का होता पंद्रह सौ का होता है पच्चीस सौ का, का, का होता है उस पैकेज के नतीजे में बिलियंस ऑफ चीज़ें वो मूव कर रही हैं मैं तो समझू मैं टाइम दे रहा टाइम नहीं दे रहा आपका टाइम कहीं ना कहीं किसी का कैश है आप जो भी टाइम दे रहे हैं ना और इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल भी चलते हैं आप किसी को भी टाइम दे रहे हैं किसी को सुन रहे हैं किसी जगह पे जा रहे हैं किसी से रूहानी मदद हासिल कर रहे हैं वो किसी ना किसी बंदे का इकोनॉमिक बेनिफिट है किस वो ये हो ही नहीं सकता 100 वो खाना ही पका है वो गया चीज़ कई है। चीज़ें उसका उसका ब्रांड है उसकी मार्केट है आपका एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है आप किसी मवलक को सुन रहे हैं आप किसी साइंसदान को सुन रहे हैं आप किसी शायर को सुन रहे हैं आप मुझे सुन रहे हैं ये सारी चीज़ें एक मार्केट है अब अगला सवाल ये है इस पर ख़त्म करूँ पिक करें क्या छोड़ दें आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या आप इस सारी ट्रांजेक्शन में ये ट्रांजेक्शन है आप लूजर हैं कि गेनर हैं तो जो इकोनॉमिक मार्केट्स हैं उसमें सारे लोग गेनर भी हो सकते हैं देखें दवाई वाला बनाने वाले ने दवाई बना दी कोरोना की दवाई बना रहे हैं वो पाँच हज़ार की बने दस हज़ार की बने उसने अरबों रुपया डॉलर कमा लेने लेकिन लोगों ने भी तो गेन करना है जब एंटीबायोटिक बनी है पेंसिलीन वगैरह एंटीबायोटिक से लोगों की मफाद कम हो गई उनको भी वो अरबों डॉलर कमा लिए हैं लोगों को भी तो फ़ायदा हुआ आपने फिर ये देखना है कि मेरा फ़ायदा क्या है तो अगर आपका फ़ायदा है तो आपने जो ख़र्च किया वक्त पैसे को तो फिलहाल छोड़ देना जो वक्त खर्च किया वो ठीक है यह आपका इकोनॉमिक डिसीजन ठीक था और आपने महदूद वक्त में अपना जो कुछ वांट है ना उसको मीट किया तो अब आपने ये देखना है कि आपकी जो वांट है ना वो रियलिस्टिक है या नहीं तो आपकी जो सारी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो है ना वो है ही इकोनॉमिक और ये सारी की सारी ट्रांसलेट हो जाएगी कलेक्टिव पाकिस्तान से पोन साइट देखी जाती है तो लोग देखते हैं तो देखी जाती है ना उससे इकोनॉमी जनरेट होती है तो आप जो मर्जी बंद कर लें स्टैटिक आईपी वीपीएन लगा के भी लोगों ने प्रॉक्सी लगा के देख लेनी सही बात ठीक है क्योंकि वो समझते हैं ये उनकी वांट है अगर वो ये सोचे कि क्या ये उनकी वांट है या नहीं तो उनको ये समझ लगेगी कि ये शायद वो मिसप्लेस्ड है वांट है उनकी इस पे सर मैं ऐड करना चाहूंगा बड़ा मैंने ज्यादा टाइम नहीं नहीं, नहीं बड़ा शानदार लेकिन आपने इकोनॉमिक्स पे छेड़ा सो नहीं सो वो आपका आपका एरिया एरिया था और मैंने चैलेंज ही किया था कि मैं इसमें कोई टेक्निकल लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल नहीं आपने कमाल किया ये बड़ा सर मेरा अब आपसे सवाल हमारी ये जो सारी गुफ्तु है ये जो मेंटरिंग है ये जो काउंसलिंग है ये मुझे लगता है बजाते ख़ुद अपनी ज़ात में एक एंड बन गई है मसलन ये काउंसलिंग जो हमारा ये गुफ्तु आप लोगों के साथ भी कर रहे हैं मकसद इसका ये है कि ये एक इनपुट हो जिसको आप किसी आउटपुट के लिए इस्तेमाल करें मगर हम लोगों को ये काउंसल करना चाहते हैं कि वो अपना काम करें अपना काम बेहतर तरीके से करें लेकिन मार्केट में या इस तरह माहौल ऐसा है कि हम काउंसलिंग ये हो रही है कि और काउंसलिंग करें कि जी हम महंगे सेशन करें और उसमें बैठें कि जी हाउ टू बी अ गुड काउंसलर और गुड मेंटर और ये तो उसका क्या एंड है अच्छा सर मैं ना ये सवाल क्योंकि मेरे साथ मैं 20 सालों से इसको फेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ये फील्ड आज तो इस शोबे में मेरा एक नाम थोड़ा बन गया लेकिन जब मैंने आगाज़ किया होगा तो मैंने खुद बड़े महंगे महंगे कोर्स किए अच्छा एक बड़ी अहम बात जो मैं आज कहूँगा उस वक्त नहीं कह सका समझ नहीं आई ये हो क्या रहा मुझे पता लगा कि हमारी आम पब्लिक वो मुताे नहीं करती वो इलम के पीछे डायरेक्ट नहीं भागती उसको कोई रेडीमेड बनी बनाई चीज़ चाहिए लिहाजा वो पढ़ाने वाला ट्रेनर या कोच कोई भी मुमकिन है वो सिर्फ ओले की वजह से अर्न कर रहा हो या उसकी इंडस्ट्री चल रही हो बल्कि शायद ऐसा है मैं मिसाल देता हूँ ये कोचिंग या काउंसलिंग इस पर इतनी बेहतरीन किताबें गोरे ने लिखी हैं इतनी शानदार किताबें यानी ये जब अगर वीडियो एडिट हो रही होगी तो मेरी टीम उन किताबों के टाइटल चलाएगी वो किताबें बड़ी आसानी से किसी अच्छी किताबों की दुकान पे अवेलेबल भी हैं अच्छा उन किताबों में महंगी तरीन किताब ग्यारह सौ रुपये की तीन सौ चार सौ पाँच सौ रुपये की इंग्लिश में किताब कोचिंग पे आपको मिल जाएगी और एक आम सीखने पढ़ने वाला संजीदा इंसान उस किताब से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है लेकिन किताब की तरफ वो नहीं जाता वो जाता है एक ऐसे ट्रेनर के पास जो कहता है कि जी मैं तुम्हें दो दिन में कोचिंग का सर्टिफिकेट यूके का दिलवा देता हूँ ठीक है वो पच्चीस तीस हजार रुपया अपना उसको देता है इंटरेस्टिंग ये है कि इस सारी गेम में उस ट्रेनर को तो पच्चीस तीस हजार का फायदा हो जाता है जो सामने बैठने वाला है उसको कोई फायदा नहीं होता फायदा क्यों नहीं होता वो तमाम चीज़ें जो वो सीख के उठा है उसके पास प्रैक्टिस करने की कोई जगह ही नहीं है हाँ तो उसका असल काम तो कोई और है एक ये यानी कहा जाता है मैं, मैं फिर कहूँगा कई चीज़ों की आपको रेफरेंस एज इट इज़ याद नहीं होते क्योंकि आपने बोला और काम बड़ा किया होता है दुनिया में ट्रेनिंग इंडस्ट्री में 95 परसेंट लोग सुनने के बाद उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता 95 परसेंट वजह क्या है वो फैशन के लिए कि मैंने ट्रेनिंग ली है वो मतलब इंस्पायर हुए होते हैं नोट्स बनाते हैं मटेरियल लेते हैं स्लाइडें लेते हैं वर्कबुक उठाते हैं और रख देते हैं ढेर लग जाता है और मैंने इन बीस सालों में बड़े अपने कोलीग्स को देखा जो हमारे साथ ही मुख्तु सेशन्स में मौजूद होते थे वो हर जगह गए हर जगह से सर्टिफिकेट लिया हर जगह से उठे मटीरियल लिया लेकिन किसी भी चीज़ को अप्लाई नहीं किया प्रैक्टिस नहीं किया तो एक तो मैंने देखा कि हमारी कोचिंग की इंडस्ट्री में ओला बड़ा लाइक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है एन एल पी अब एन एल पी मुतारफ़ करवाने वाले जितने पाकिस्तान में लोग हैं सारे बड़े संजीदा थे लेकिन उनकी मार्केट बनने की वजह यह थी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को लोग जानते नहीं थे अपने माइंड को अपने सबकॉन्शियस को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता आज से 20 साल पहले यूट्यूब नहीं थी गूगल नहीं था मटेरियल इतना आसानी से अवेलेबल नहीं था इस तरह के लिटरेचर के प्रमोटर नहीं थे लिहाजा इस ओले में बड़े लोग बड़ी महंगी महंगी वर्कशॉप्स करवाते रहे वो वर्कशॉप्स हंड्रेड ठीक थी लेकिन सामने बैठा हुआ शख्स दो या तीन दिन में कभी भी कोच या ट्रेनर नहीं बन सकता मैं इस फील्ड में ये समझाऊँ सर कि जब तक आप किसी फ़लसफे कॉन्टेंट किताब इलम के साथ और किसी तजुर्बे के साथ किसी मुशाहदे के साथ पंद्रह बीस साल नहीं जुड़े आपको नतीजा नहीं ले सकते बड़ी दुनिया ऐसी है कि उनके पास वो जो सिखा रहे हैं वो ख़ुद भी उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे यानी वो उसके ट्रेनर कोच तो हैं उनकी अपनी प्रैक्टिस नहीं उनकी कम्यूनिकेशन बस अच्छी है उनको पढ़ाना आता है लिहाजा वो उसको पढ़ाते हैं अन करते हैं घर चले जाते हैं मैं एक आम बंदे को ये ज़रूर कहता हूँ कि आप इस ज़माने में जिसमें बड़ी आसानी के साथ यूट्यूब अवेलेबल है गूगल अवेलेबल आप सर्च कर सकते हैं आप मूवीज़ देख सकते हैं नेटफ्लिक्स से आप अच्छी किताब खरीद सकते हैं पढ़ सकते हैं अच्छी किताबों की भी वापी की बात इकनॉमिक्स वाली कि डिमांड बनी है सर आप चंद साल पहले तक सेल्फ हेल्प का सेक्शन किताबों की दुकान में नहीं देखते थे अब वो इस्लामाबाद का सईद बुक डिपो हो लाहौर का रीडिंग हो या वैरायटी बुक शॉप हो या कोई भी और किताबों की दुकान हो उसमें बकायदा आपको वैन गार्ड पर भी एक सेक्शन मिलता है जिसपे लिखा हुआ है सेल्फ हेल्प पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें वहाँ पढ़ी हुई हैं वजह क्या कहने वाले बोलने वालों ने इतना मुतारफ़ करवाया कि अब आम यूनिवर्सिटियों के बच्चे सेवन हैबिट ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल को जानते हैं आपका मेरा ज़माना था ये किताब थी लेकिन अब मुतारिफ नहीं थे क्योंकि इसके प्रमोटर नहीं थे सो कोचिंग और काउंसलिंग की इंडस्ट्री में मैंने देखा है सर कि बैठने वाले को फ़ायदा तभी होता है जब उसका अपना इरादा है कि मैंने कुछ सीखना है और फिर प्रैक्टिस करना मैंने कहीं अप्लाई करना है अमूमन कोचिंग और काउंसलिंग के कोर्स उन लोगों को करने चाहिए जिनकी एम साइकोलॉजी है कम अज कम या सोशियोलॉजी की डिग्री है या उन्होंने एम किया और उसमें जो साइकोलॉजी थी वो पढ़ी या उन्होंने एजुकेशन की कोई डिग्री ली और उसमें फिर साइकोलॉजी को पढ़ा और फिर उन्होंने डिफाइन किया कि मुझे काउंसलिंग कोचिंग के कोर्सेज करके स्पेशलाइज्ड किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है ये गोल समझ आता है लेकिन अगर कोई ट्रेनर कोच ये दावा करे कि उसका कोर्स करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाएगी और हर चीज ठीक हो जाएगी उसका दावा गलत है बड़ी चीजें वो बेचने के लिए उनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं वो इंस्पायर करती हैं लेकिन प्रैक्टिकली बाद में कुछ नहीं होता आप एक बड़ा सिंपल सर इसका कुलिया मैंने ढूंढ लिया इन बीस सालों में जो ट्रेनर और कोच अपनी स्लाइड शेयर करने को तैयार नहीं है ना दरअसल ये उसका सिर्फ और सिर्फ मुआशी एक साइकिल और सर्कल है जिसको वो चला रहा है ये उसका कोई मिशन नहीं है उसकी कोई हम हाँ। उस, उसका कोई प्यार नहीं है उसका यह कोई बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है उसकी वजह जो खुद कंट्रीब्यूटर नहीं बन सका सर देखिए मैं कहता हूँ जी मैं सेल्फ हेल्प पर्सनल डेवलपमेंट और मुताया करना चाहिए मैं इसका एक तहरीकी फर्द हूँ तो कम अज कम मुझे उस तहरीक की वजह से कुर्बानियाँ तो देनी चाहिए मैं अपनी स्लाइड शेयर नहीं कर सकता मैं अपना कॉन्टेंट नहीं देता मैं जहाँ जिस किताब से मैंने अखज किया है मैं वो बताने को तैयार नहीं हूँ मैं हवाला रेफरेंस देने को तैयार नहीं हूँ मैं कहता हूँ कि बस ये क्योंकि मैंने पच्चीस हज़ार तीन तीस हज़ार चालीस हज़ार रुपया लिया है ये आए अटेंड करें और जाएं। दर दरअसल वो पच्चीस हज़ार जरब चंद लोग मेरी वो इनकम है अच्छा अब सर होता क्या है जब आप ये करते हैं ना आप फौरी तौर पर इन चीज़ों को रिजेक्ट नहीं करते क्योंकि आपने अटेंड करने से पहले खप बड़ी डाली होती है अपने कुलीग्स को दोस्तों को कहते हैं कि जी मैं करने जा रहा हूँ और मैं ये देखो सर्टिफिकेट ये तस्वीर है और मैं यू के सर्टिफाइड हो चुका हूँ और मैंने जनाब मैं कोच हो चुका बंदे को ना तारुफ चाहिए बंदे को बड़ा अच्छा लगता है कि उसको लोग के अच्छा अपने कोचिंग की सर्टिफिकेशन की आप ट्रेनर हैं आप कोच हैं बंदा तो इस तरह के हवालों को सुनना चाह रहा होता है सो अपनी उस महरूमी को कि उसको कुछ कहा जाए पढ़ा लिखा कोच ट्रेनर वो चंद दिन कुछ अरसा कुछ साल वो इसको क्रिटिक नहीं करता इसको मेरी तरह वो कुछ सालों के बाद बैठ के पीछे मुड़ के देखता तो उसे पता लगता है कि इन चीज़ों का मुझे कोई फायदा इतना जितना जानना था मैंने अपने दो तीन दिन बर्बाद करके ये इतने पैसे बर्बाद करके ये मैं यूट्यूब से भी जान सकता था और ज्यादा अच्छा जान सकता था मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जो तुमने कोर्स करना है उस कोर्स को करने से पहले ज़रा यूट्यूब पर सर्च करो गोरे का उससे अच्छा काम फ्री में पड़ा हुआ है कमाल देखिए एक अच्छी किताब है फाइव एम क्लब रॉबन शर्मा की बड़ी जुबानों में बड़ी तेजी के साथ तर्जुमा हुई एक बंदा कहे जी मैं फाइव एम क्लब की दो दिन की वर्कशॉप करवाता हूँ जो पचास हजार रुपए की बदरजा बेहतर है रॉबन शर्मा को कोई बंदा सुन ले यूट्यूब पे उसकी प्रमोशनल वीडियो सुन ले उस किताब डेढ़ दो हजार रुपए की किताब को लेकर बैठ के पढ़ ले और कुछ चीजों को प्रैक्टिस कर ले और फिर अगर वो कमी महसूस करे तो वो किसी कोच या ट्रेनर को ढूंढे अच्छा लोग चाहते हैं शॉर्टकट मार्केट बड़ी छोटी सी है चंद लोग हैं ये इंडिया में मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है इंडिया में सर एन सिखाने वाले जो हैं वो उंगली पे नहीं आप गिन सकते तादाद ज्यादा है पाकिस्तान में एन सिखाने पढ़ाने वाले या कोचिंग के चंद लोग हैं लिहाजा लोग नहीं जानते खुद नहीं पढ़ते तो उनके अगर मैं कहूँ मुनासिब तो नहीं है उनके हथे चढ़ जाते और हथे चढ़ते हैं तो वो ना ये कहने जोगे होते हैं या बुरे हैं ना कहने जो कि होते हैं अच्छे हैं ये कुछ सालों के बाद पता लगता है कि यार दर असल उस टाइम पे मेरे साथ धोखा हुआ था आपको पता है बंदा ये बताते हुए कि मेरे साथ धोखा हुआ था बड़ी शर्म महसूस करता है वो अपने इस इस शर्म को बचाने के लिए वो कहता है जी बड़ा ज़बरदस्त है बड़ा सही है बड़ा कुछ ठीक है और दर असल उसके अंदर कुछ भी नहीं होता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ये जो आने वाला ज़माना है इसमें सर बड़े काउंसलर्स की ट्रेनर्स की कोच की जरूरत है और हर फील्ड में जरूरत है ये भी आपको बता दूं मैं तो बड़ी चीजों को मैं प्रमोटर हूं मैं अपने आपको यह कहूं तो मैंने मोटिवेट किया लोगों को किताब पढ़नी चाहिए मैंने मोटिवेट किया है कि जी ड्रेस अच्छा पहनना चाहिए मैंने मोटिवेट किया कि जी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन सुननी चाहिए मैंने मोटिवेट किया कि टेट टॉक्स भी सुननी चाहिए मैंने मोटिवेट किया कि यार बंदे को सोशल भी होना चाहिए मैंने मोटिवेट किया कि बंदे को कॉन्ट्रीब्यूटर होना चाहिए मैंने मोटिवेट किया कि एथिक्स वैल्यूज को बंदे को फॉलो दैट्स ऑल इसका नतीजा क्या होगा सर ये बड़े ही यकीन के साथ मैं समझ गया हूं इसके लिए सबर मुझे चाहिए मुझे सबर चाहिए क्यों जो हमने आज किया है इससे दस साल बाद सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी मुझे सर कई ऐसे सिविल सर्वेंट्स मेल फीमेल मिले जिन्होंने कहा कि हमने पीटीवी के ड्रामों में जो करैक्टर थे जो सिविल सर्वेंट के असिस्टेंट कमिश्नर के जिसको उस टाइम पे खैबर गाड़ी मिलती थी और उसका एक रोल है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो देख के उन्होंने आइडियलाइज किया कि हमने बनना है वहां से मोटिवेशन मिल गई बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्फा ब्रेवो चार दिन या सुनहरे दिन देख के सोचा कि हमने फौज में जाना है बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने कसोटी या कोई इलमी अदबी प्रोग्राम देख के एक नए सफर का आगाज किया मैं अपने आप को समझता हूं कि मोटिवेशन मोटिवेट करना इनक्रेज करना एम्पावर करना ये सिखाना है कि सफ़र आपका अपना है आपको शाबाशी चाहिए आपको इलम चाहिए आपको तहरीक चाहिए आप लीजिए सफर अपना खुद तय कर लीजिए मेरा इसमें लालच कोई नहीं लेकिन इसके मुकाबले में वो तमाम लोग जो अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड भी नहीं करवाना चाहते क्योंकि उन्हें पता है जैसे रिकॉर्ड करवाया एक्सपोज हो जाएंगे ये बड़ी अहम चीज़ है सर जो बंदा रिकॉर्ड नहीं करवा सकता ना अपने कोर्स को चीज़ों को दरअसल उसे पता है, मेरे पास है ही कुछ नहीं अगर मैंने रिकॉर्ड करवाया और पब्लिश किया तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगा कि मेरा जो सारा कंटेंट है वो दरअसल चंद किताबों से लिया हुआ था फिनिश हो जब आप पब्लिक में रख देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपने क्लासरूम तक या अर्निंग तक तक नहीं जोड़ा बल्कि आपने इसको मिशन बना के सोसाइटी को दे दिया कि लोग इससे फ़ायदा उठाते रहे लिहाजा कंक्लूजन ये कि इनसे फ़ायदा वही उठा सकता है जो कमिटेड है और वो बड़ी थोड़ी परसेंटेज है बाकी सब के सब अपने सर्टिफिकेट अपने कार्ड अपने तारुफ को खुद बताते फिरते हैं ना उनके पास खुद रिजल्ट होता है ना उनसे जुड़े लोगों को कोई नतीजा मिलता है और इस सारी इस गेम का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ उस ओले में उस ट्रेनर को हो रहा होता है जो उस तरह के सर्टिफिकेशंस और कोर्स करवा रहा है और एक ये भी कंक्लूजन कि हमें खुद किताबें पढ़ के थोड़ी सी रिसर्च करके अपने नोट्स बना के खुद प्रैक्टिस करके देखना चाहिए कि जो किताबों में लिखा है ठीक भी है कि नहीं है और कम से कम हमें कोई अगर लेबॉर्ट्री में कोई बंदा ना मिले तो खुद ही अपने आप को उस लेबॉर्ट्री में रखते हुए ख़ुद पे काम कर लेना चाहिए कि ये इलम इसने मुझे फ़ायदा क्या दिया मेरा सर अब सवाल मेरा सर सवाल ये है कि इस समाज में ये इस वक्त का सवाल है शायद ये कभी इस सवाल इसकी अहमियत ना हो इस वक्त का सवाल ये कि कोरोना का जो फियर था वो कभी ज़्यादा था अमवात कम थी इस वक्त अमवात की रेशो बहुत ज़्यादा हो चुकी है लेकिन फियर उतना नहीं है जबकि अमवात बहुत ज़्यादा है दिल्ली के हज़ारों में केस रिपोर्ट हो रहे हैं एक आम सुनने वाला हमें शख्स पढ़ा लिखा शख्स मुमकिन है वो भी ना मानता कोरोना है ही नहीं आपको ये डिस्कशन बड़ी कॉमन मिलेगी कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है मेरा ये सवाल आपसे इसलिए है कि कहीं ना कहीं हम अपने इर्द गिर्द में कहीं देखते हैं मतलब तो मेरी एक टीम मेंबर को कोरोना हो गया उसने मुझे कॉल करके सात दिन बाद कहा कि शाह साहब ये जो कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है उनको बताएं ये है ये एक रियलिटी है तो ये जो मिथ है या ये जो एक कह लें एक ट्रस्ट नहीं है लोगों को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है मैं चाहूँगा कि आप एक आम बंदे को क्या एडवाइस करेंगे वो कोरोना के हवाले से उसकी परसेप्शन क्या होनी चाहिए रियलिटी क्या है वो कैसे बच सकता ये है तो बड़ा पब्लिक सर्विस सा क्वेश्चन और जवाब भी इसके करीब हो सकता है लेकिन आप आपका ओपिनियन मैं चाहूँगा ज़रूर देखिए सर पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रस्ट क्यों नहीं है ठीक हो गया अच्छा अब ये हमारे सामने ये भी बात आ गई कि हम ही नहीं दुनिया के अक्सर मुल्कों ने या कौमों ने इसको कैजुअल ही लिया क्योंकि ये एक नई चीज़ थी और नई चीज़ इस तरीके से फैलना हमारी जो जिंदगियां हैं उसमें तो ऐसा काम नहीं हुआ देखिए सैलाब है ना सैलाब से लोगों को बचाना आसान इसलिए होता है कि सैलाब को वो देखते हैं तो जब सामने से सैलाब नज़र आता है ना तो वो कोई कहता है जी कि यार यदि ये। दूसरा ये कि कोई उनको बताता है कि पंद्रह किलोमीटर दूर दरिया में सैलाब है और उनको ये भी पता है कि सैलाब आ जाया करता है लेकिन ये वो सैलाब है जिसको आप देख नहीं सकते क्योंकि आप उसको आते हुए देख नहीं सकते तो इसलिए आप ये समझते हैं कि ये है ही नहीं दूसरी बात यह है कि आपका जो स्टेट है हमारा उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता लोगों को पता नहीं ये क्या कर रहे हैं ये पी का भी चैलेंज रहता है तीसरी बात एक और है वो ये है कि हमारी जो ज़्यादातर ओपिनियंस है ना वो बनाते हैं मेडिकल साइंस वाले मसलन वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने चीज़ें काम की हुई हैं कि जी देखें ये जब नमूनिया होता है तो ये होता है कैंसर होता है तो ये है। ये चूँकि उनको ख़ुद कोई आइडिया नहीं था उन्होंने भी इस पर वर्क इन प्रोग्रेस था तो वो भी पब्लिक को ये कन्विंस नहीं कर सके कि ये है क्या सही इसकी वजह से पब्लिक को ये आइडिया भी नहीं हुआ भी तक भी नहीं है कि इसकी सवेरिटी या इसकी इंटेंसिटी क्या है दूसरी बात ये है कि जब अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और इस जगह से अब आगे जाना है यहाँ से फिर ना लाइफ स्टाइल की चेंज शुरू होती है जो आप और मैं कोशिश करते हैं लाइफ स्टाइल को चेंज करना बड़ा मुश्किल काम सो एक तरफ माहौल ऐसा बना है कि आप कहते हैं कि यार ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं दूसरी तरफ से जो चीज़ आपसे डिमांड की जा रही है ना वो लाइफ स्टाइल की चेंज है आपसे और कुछ नहीं मांग और क्या मांगते हैं मतलब आप सोचें कि दफ्तरों में छुट्टियाँ हो गई अल्लाह उनको मदद करे जिन लोगों की नौकरियां गई हैं लेकिन जो हम अपने देखते हैं सरकार में तो फ़ारग बैठे हैं दो तीन ऐसा बड़ी दूरी फ़ारग बैठने की तनख्वाहें ले रहे हैं घर बैठे हैं हर चीज़ अवेलेबल है लेकिन जो लाइफ जो था ना चेंज का लोगों से मिलना जुलना वो नहीं कर पा रहे तो चूँकि जो लाइफ चेंज नहीं कर रहे तो उसका फिर एक जो डिफेंस है ना वो ये है और उसके साथ एक चीज़ है जो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है वो है फेटलिज्म अच्छा फर्टलिज़म का मतलब ये है कि हम अमवाद से बड़ी जल्दी जो है ना वो समझौता कर लेते हैं हम्म ये बड़ी खतरनाक चीज़ है हाँ अब ये देखें ला ऑफ इसमें मैं लार्ज नंबर्स कहूँगा दुनिया में जिस इंसान ने पैदा होना उसने मरना तो है इसमें तो कोई शाख ही नहीं है लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉमें अपना मरना जो होती है ना वो डिले कर लेती हैं ठीक है और ये कर रही हैं मतलब साफ़ नज़र आता है दुनिया में ऐसी कौमें हैं जहाँ पे औसत जो है वो उम्र साठ साल है दुनिया में ऐसी कौमें हैं जो औसत उम्र अस्सी साल है जापान वगैरह तो फ़र्क तो पड़ गया ना जी फिर जो टाइप ऑफ डेथ्स है ना वो भी चेंज हो रही हैं दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होते कम होते हैं दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं अमरीका में जो फायर आर्म है ये वेपन है असला है इससे बहुत अमवात होती है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वेपन से मौत होती हैं वो गलबन गलबन अमेरिका है ऑल दो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मर्डर होते हैं पर हंड्रेड थाउजेंड वो ब्राज़ील में होते हैं ब्राजील हाँ या साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी होते हैं तो इसका मतलब ये कि दुनिया में फ़र्क तो है उस फ़र्क के नतीजे में दुनिया में जो डेथ बाज़ाहर अवॉइडेबल है बज़ाहर मैं बाज़ाहर कहता हूँ दुनिया में कोई डेथ अवॉइडेबल नहीं है लेकिन मैं केयरफुली चूज उनमें फ़र्क है अब जर्मनी में हाईवे कोई स्पीड लिमिट नहीं है लेकिन वहां पे उतनी डेथ नहीं होती जितनी मियाँ मुजफ्फरगढ़ रोड पे होती है। मुजफ्फरगढ़ रोड पे आप कभी गए हैं, बहुत ही खतरनाक सड़क है सिंगल रोड है आपने कमाल ये किया कि जर्मनी से फेंका भी कहाँ फेंका इसलिए इसलिए कंपैरिजन में भी मैं ये देख रहा था कि वहां पे बहुत डेथ हमारे मोटरसाइकिल की बहुत डेथ्स होती हैं दुनिया में नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ गलत तो है ना तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिनको कहा जाएगा सुइसाइड्स हैं खुदकुशियाँ डेथ है। पे बात कर दुनिया में कुछ मुल्कों में खुदकुशियाँ ज़्यादा होती हैं कुछ कॉमों में कुछ तबकों में ज़्यादा होती हैं और कुछ में नहीं होती इसका मतलब ये है कि डेथ जो है वो तो यूनिवर्सल है ठीक है डेथ एज ए होल लेकिन जो डेथ की जो प्रेवलेंस है ना वो स्पेसिफिक फिनिना है स्पेशली प्री डेथ्स तो हमारे यहाँ ये जो कोरोना है ये एक अवॉइडेबल चीज़ है थ्योरेटिकली अगर आज के दिन किसी भी दिन सारी कॉम अपनी जगह पे फिक्स हो जाए और उसको अपनी जगह पे फूड मिल जाए और उसकी बाकी चीज़ें पूरी हो जाए थ्योरेटिकली तो कोरोना पंद्रह दिन में ख़त्म हो जाएगा लेकिन ऐसा हो नहीं सकता लेकिन थेरेटिकली अगर वो डिस्टेंसिंग भी करें वो बाकी चीज़ें भी करें तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा इसका मतलब ये है कि उसके नतीजे में आज के दिन तक 1800 का फिगर है और वो इंक्रीज़ कर रहा है तो उसके नतीजे में ये चीज़ें नहीं भी हो सकती अच्छा हम उसको हम फिर अपने आप को अब कंपैरिजन के साथ एक चीज़ होती है अलाइनमेंट क्या आप अपने आप को कहाँ अलाइन कर लें वो कहते हैं अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है उसमें लाख बंदे मर गए हैं ठीक है जर्मनी भी बड़ा मुल्क है उसमें कम मरे हैं इंडोनीसिया भी बड़ा मुल्क है हमसे ज़्यादा आबादी है उसमें इतनी डेथ्स नहीं है हमारे से थोड़ी बराबर या कम है जबकि उनकी आबादी उनकी ये डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा है तो अब हमारी मर्जी है कि हम अपने आप को कहते हैं वर्से लाइन कर लें तो इसी तरह यह है कि बच्चा फेल हो जाए तो आप वो आके कहे कि जी तू फेल हो गया कहते हैं इतने लोग भी तो फेल हो गए वालदेन पूछे कि बच्चे से आप बेरोजगार हैं वो कहें या सारी दुनिया ही बेरोज़गार है तो आप अलाइन करते हैं अपने आप को किसके साथ तो अगर आप अपने आप को अच्छी मिसालों के साथ अलाइन करें तो ये जो सारी चीज़ें हैं और ये अवॉइडेबल हैं अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अवॉइड करते हैं ना तो उसकी बड़ी कॉस्ट होती है मसलन आप फॉर एग्जांपल लोगों से कह दें कि यार पाकिस्तान में मिसाल देता हूँ किसी दिन ना दूध ख़त्म हो जाए ठीक है तो दूध एक लाइफस्टाइल भी है लेकिन एक नेसेसरी न्यूट्रिशियस एक, एक सोर्स भी है नीड भी है कैल्शियम की नीड है बच्चों में बहुत ज़्यादा बुजुर्गों में तो इसकी बड़ी कॉस्ट होगी जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसकी कॉस्ट कई किस्म की है जिन लोगों की तो कॉस्ट इकोनॉमिक में है उनकी तो जस्टिफिकेशन है कि यार रोजगार रूज, का मसला है लेकिन जिन लोगों की कॉस्ट ही सोशल है उनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है वो तो फिर सिर्फ समझें ऐसे ले सुस्ती है ना मतलब एक बंदा है पर ये फोटोग्राफर हमारे काम कर रहे हैं उन्हें काम करना है इन्होंने आना है तो इनकी जस्टिफिकेशन आने की तो काम है आप भी बैठे हैं हम एक काम के लिए बैठे हैं लेकिन जिस बंदे को कोई काम ही नहीं है उसकी क्या जस्टिफिकेशन है उसकी जस्टिफिकेशन फिर दो तीन है एक उसका डिनाइल है जो वो कर रहा है कि है ही नहीं, नहीं। दूसरा उसकी स्टबरनेस है इन डिटाई कहते है पर बस मैं तो यही कर ठीक हो गए और तीसरा उसका फेटलिज्म जो हूं हो जाए कोई नहीं तीनों चीजें बड़ी खतरनाक तीनों चीजें ही बड़ी खतरनाक है और आप इसका देखें जो डेथ के बारे में सोचें आ, आ, इसके बारे में दुनिया में सारे लोगों ने डेथ होनी है आज एक दिन में पाकिस्तान में दस करोड़ लोगों की डेथ हो जाए तो अगले 10 करोड़ लोगों की क्या बढ़ेगा लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि इन सब की डेथ होनी है तो आज ही हो जाए सो so, डेथ के टाइम पे और डेथ की सर्टेनिटी पे बड़ा फ़र्क है डेथ एक सर्टन है कोई बच तीस लेकिन आज के दिन तो नहीं ना सारों को डेथ हो जानी और मैं ये समझता हूँ और मैं अब ये बात तो थोड़ी सी उसकी तरफ फेद की तरफ मैं ये समझता हूँ कि कुदरत का निज़ाम भी जो है ना वो ये नहीं है कि सारे एक दिन में फौत हो जाए अगर सारे एक दिन में फौत हो जाए तो ये क्या है ठीक है कुदरत का जो निज़ाम है उसके अंदर भी यही बिल्ट इन है प्रिकॉशन और इसका स्प्रेड देखिए कुदरत का निज़ाम है कि बच्चों को वालदे की शफ़क़त मिले कुदरत के निज़ाम में एक कंसिस्टेंसी है एक रिदम है कुदरत का ये निज़ाम है कि लोग सेहतमंद हो देखिए दूसरी चीज़ जो डेथ के साथ जुड़ी हुई है वो बीमारी है क्या कुदरत चाहती है हमसे कि बीमार रहे हम नहीं चाहते उन्होंने लि, लिखा है किताबों में आ रहा है कि भाई वज़ु करें धात धोएं, अपनी हाइजीन ये क्या है सेहत ही है ना तो जब वो आपको ये डायरेक्शन है कि आप सेहत का भी ख्याल रखें दूसरे आपको डायरेक्शन है कि आप अपना नेचुरल साइकिल पूरा करें नेचुरल साइकिल क्या है बच्चे हों बड़े हों शादियां करें देखें खुशियां और फिर वफा तो ये नेचुरल साइकिल हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है इसको पूरा करें और अगर हम इस जिम्मेदारी से पहलू तय ही करें और लोगों को डेंजर में डालें तो ये मेरी नज़र में तो ये एक ना सिर्फ अच्छे शहरी होने का सबूत नहीं मैं तो ये समझता हूँ कि इसकी जवाब तल भी होगी क्या आपने अपनी अपने आप को अपनी किसी जिद या डिनाइल की वजह से लोगों की जिंदगियों को प्री मेच्योरली ख़तरे में डाला उनको डिसरप्ट किया अगर अस अस्पताल बाहर जाएँगे आपको मतलब मैं आपको उसके कई नज़र आ रहे हैं आज अगर एक बंदा जाएगा अस्पताल में तो वो दिल की बीमारी से जा रहा है उसको एडमिट नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे रिस्क पैदा हो चुके अब वो घर में रहेगा वो रिस्क में रहेगा वो उसकी डेथ हो जाती है इसके ज़िम्मेदार कौन है इसका ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर रिस्क क्रिएट की और अगर केयर कर लें तो ये रिस्क ना हो तो यही हमारा हमारी तो छोटी सी आवाज़ है हमारा तो मैसेज यही है इसको एक सवाल कर लूँ और यहाँ कितना हमारे पास टाइम एक करने है? एक कर लें मैं भी एक बस सर सवाल है मेरे पास अच्छा फिर ज़रा थोड़ा लाइट मोड में सवाल करते हैं <laughs> थोड़ा सीरियस हो गया डिस्कस आपकी तरफ से काफ़ी सारी गुफ्तु होती है कि हमारे यहाँ जो हमारी फैमिली लाइफ है उसको स्टेबल कैसे रखा जाता है फैमिली लाइफ भी बाप बच्चों की भी है और सबसे जो क्रूशल फैमिली लाइफ है ना वो मियाँ बीवी की मैं आपकी जब वीडियोस देखता हूँ तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वीडियोस जिस जिसपे बड़ा ज़्यादा रिस्पांस आता है ना वो इस तरफ़ होती हैं कि बीवी की क्या ज़िम्मेदारी है इस पर मर्द बड़े खुश होते हैं कि ऐसी बातें हों कि जिम्मेदारियाँ शिफ्ट हों अच्छा थोड़ा सा एक सीरियस लाइन देना चाहूँगा एज ए सब्जेक्ट ना मुझे मैंने पॉलिसी में बहुत गौर से पढ़ा कि प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करते हैं कहते हैं सोलूशन का ताल्लुक इस चीज़ से है कि आप प्रॉब्लम कहाँ पर प्लेस करते हैं गवर्नमेंट कहती है लोग प्रॉब्लम है लोग कहती है गवर्नमेंट प्रॉब्लम है दोनों मिल कहते हैं आउटसाइडर प्रॉब्लम है सो so, जहाँ पे आप प्रॉब्लम को प्लेस करते हैं ना उसी को आप फिर जज करते हैं और मशवरे भी उसे ही देते हैं है। तो सारे मर्द ओवरवेलमिंगली वो कहते हैं जी प्रॉब्लम तो इधर है उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वो आपसे सवाल करते हैं आप कहते हैं हाँ जी आपने तो जवाब देना है कि अच्छी बीवी को क्या करना चाहिए अच्छी माँ को क्या करना चाहिए तो वो जो ट्रेंड बन जाता है ना वो बन जाता है कि प्रॉब्लम जो है ना वो सारे का सारा इधर है तो मैं बहनों की तरफ से ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छे खावन की भी कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है <laughs> कोई ऐसी चीज़ है कि खावंद बनने का कोई कोई मॉडल है अच्छा उसके एक ट्रेडिशनल मॉडल में बात कर दूँ एक ट्रेडिशनल मॉडल तो वो है कि हाँ जी ठीक है जी आप अपना बस आपका काम है प्रोवाइड करें ये करें लेकिन जिंदगी बड़ी कॉम्प्लेक्स है सही बात है ठीक है उस कम्प्लेक्सिटी के अंदर ही प्रॉब्लम है और फिर आप कहते हैं कि सारे प्रॉब्लम इस तरफ हैं तो आप थोड़ी तोज्जो अगर इस तरफ करें और ये जिम्मेदारियाँ डालें कि हमें हम सारे जो लोग हैं मैं आप जो मर्द हैं कुछ हमारे ऊपर क्या और हमारी ट्रेनिंग कैसे होना चाहिए चलो जिम्मेदारियां तो नहीं है हमारी जो ये ट्रेनिंग है जब हमारी हम इस रिश्ते में दाखिल होते हैं तो को ट्रेनिंग हमें लेनी चाहिए और क्या ट्रेनिंग हो अगर हम ट्रेनिंग लें अच्छा सर ये जो वीडियोज़ के जरिए मतलब ये इम्प्रेशन होना कि मैंने शायद बीवियों को ज़्यादा ड्रेस किया है हाँ। कि वो नहीं, मैंने उसको फ्रेम भी किया कि क्यों किया है वो डिमांड आती है ना उधर से अच्छा अच्छा मेरा इसमें ना इसमें मेरा एक्सपोजर होता है फीडबैक का एक दफ़ा सर ऐसे हुआ कि मैं पीसी में पल कॉन्टिनेंट में नादिया है नादिया जहाँ पर कैफे है कैफ़े है उनका मैं वहाँ बैठा कोई कोई कु, लव्ड मेरा मोहब्बत करने वाला मिलने आ गया वहाँ बैठ मैं बता देर ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पर ही मीटिंग कर लेता था मेरा दफ्तर नहीं था उन दिनों तो एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने आके कहा कि शाह साहब तुम्हें कमाल कर देता पंजाबी चु मैं क्या जी की कीता कमाल ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ જરા ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮبالਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ دیا۔ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਤਰਮਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਈ उसने कहा शाह साहब वो उनके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था वो एक और करेक्टर था जो मेरे पास आया दस से पंद्रह मिनट के बाद और उसने आके कहा कि शाह साहब मैं बड़ी मशहूर हूं आपकी वीडियोज की वजह से मेरा हामद बंदे का पुत्र बन गया <laughs> अच्छा मैंने कहा जी कैसे उन्होंने कहा जी कुछ ऐसी वीडियोस थी जो हस्बैंड के लिए थी तो मैंने ये किया कि उनको कहा आप ये सर्च करें इस बंदे को उसकी ये वीडियोस देख लें अच्छा उसने भेजी नहीं लेकिन इनको लिंक बताया को रेफरेंस दिया और कहा और उस बंदे ने भी कहा मैं वो पढ़ा लिखा फैमिली लग रही थी उर्दू में बात कर रही थी उसने कहा कि जी वो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं पहले भी इनको सुनता हूँ लेकिन तुम्हारे कहने से ये भी सुन लेता हूँ तो मैं आपकी बड़ी मशहूर हूँ मेरा हस्बैंड कुछ बंदे का पुत्र बन गया अच्छा सर हुआ ये सर कि ये तजुर्बा तो सिर्फ पी सी के नादिया तक नहीं है टी वी पर एक दफ़ा हमने एक प्रोग्राम किया ए प्लस पे कि बीवी को क्या करना चाहिए उससे वेरी नेक्स्ट डे था खामंत को क्या करना चाहिए तो जिस दिन बीवी वाला हुआ तो नीचे बड़े बीवियों ने लिखा कि हमारे खामदों को भी कुछ कहें अच्छा अगले दिन जिन्होंने अगले वाला देखा पिछले वाला नहीं देखा उन्होंने कहा जी बीवियों को भी कुछ कहें तो ये दोनों चीज़ें कही कहीं ना कहीं मौजूद हैं मैं उस कॉन्टेंट को जो मैं हस्बेंड्स को अक्सर एड्रेस करते कहता हूँ मैं वो रिपीट कर देता हूँ यानी ये कई जगह ऑलरेडी भी मौजूद होगा लेकिन मैं तरतीब से कुछ बातें उसमें से कह देता हूँ सर मेरा ख्याल है कि ये कॉन्टेंट कॉन्सेप्ट और फलसफा के शादी मर्द कब काबिल होता है उसमें है बलोगत होनी चाहिए उसमें है मिचोर होना चाहिए मेरा ख्याल ये है अगर मेरे से पूछा जाए तो पहला क्राइटेरिया ये है कि उसको ज़िम्मेदार होना चाहिए ठीक बात अगर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी शौर मदारी और वो खुद ज़िम्मेदार होने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक जिंदगी का संजीदा सफर जिसे शादी कहते हैं उसमें इंतहाई बुरे तरीके से खुद भी डैमेज होगा अपने पार्टनर को भी आने वाली नस्ल को भी डैमेज करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है सर हैसिबिलिटी का मतलब यह है कि अल्टीमेट वो एक ऐसे रोल पर जाने लगा है। जहां पर कुर्बानियां है ज्यादा शादी सर है ही जिम्मेदारियां यानी जो जो बंदा शायद बड़ा फैसिनेट हो गया मैं कहता हूँ लव मैरिज भी करता है जो फौरी तौर पे उसको रियलाइज़ होता है शादी के कुछ ही अरसे के बाद उसे पता लगता है मैंने जिम्मेदारियों का पूरा एक हार अपने गले में डाल लिया अच्छा अब यानी उसे हर चीज़ को करते हुए फैसला करते हुए सोचना पड़ता है मैं एक न्यू मैं दो हूँ अच्छा जब बच्चे आ जाते हैं तो उसको सोचना पड़ता है अच्छा मैं सर जब मेरे बच्चे पाँव चल लेते थे ना मैंने फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर ज़्यादा किए हैं अच्छा जैसे एक बच्चा ऐड हुआ है जो पंजाबी में कहते हैं कुछड़ है जिसको उठा के फिरना पड़ता है हम थोड़ा सा मोहतात हो गए यानी अब हम यह सोचने लग पड़े कि अगर हम ट्रेवल करें हांगकॉन्ग जाएं या कहीं जाएं इसको कैसे संभालेंगे इसका मतलब है कि आपकी लॉरी में आपकी गाड़ी में आपकी कार में आपकी जिंदगी की गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं आप उनके लिए जिम्मेदारी कबूल करते हैं पहली बात नंबर टू दूसरा सर मर्द की जिम्मेदारी यह है कि मर्द को आला जरफ होना चाहिए उसका दिल बड़ा होना चाहिए उसको कुर्बानी वाले चैप्टर में औरत की कुर्बानियों की शक्ल कुछ और है मर्द की कुर्बानियों की शक्ल बिल्कुल कुछ और है अक्सर मैं कह रहा हूं जर्नली क्योंकि ज़्यादातर औरतें काम कर रही होती हैं घर का और बड़ी तादाद मर्दों की जॉब भी करती यानी मर्द का काम भी है मैं जर्नली कर रहा हूं और मर्द का घर भी है जिम्मेदारी बढ़ गई उसकी अगर गुडला के दोनों ही काम करते हैं जो कि तादाद थोड़ी हमारे मुल्क में कि दोनों वर्किंग हो तो फिर इरादा बात है लेकिन मर्द की मैं समझता हूँ कुर्बानी उसका एक ऑलरेडी घर है शायद माँ का घर है जहाँ फ़ंड कर रहा है बहनों को भी चला रहा है अच्छा ये औरत का रोल ये कम होता है मर्द का ये रोल कि वो भाइयों को भी फीड कर रहा है बहनों को भी कर रहा है माँ को भी कर रहा है घर को भी चला रहा है ये ज़्यादा होता है तो ये कह लीजिए दिल गुर्दा मर्द का ज़्यादा होना चाहिए तीसरी बात तीसरी बात ये है सर कि उसको एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए कि वो किसी को साथ लेके चल सके ये साथ लेके चलना बजाते ख़ुद एक ख़ूबी है अच्छा ये किसी में भी अगर होती है उसके अक्सर रिश्ते ठीक होते हैं ये हम अपनी इन महाफिल में रिकॉर्ड नहीं करवा सके लेकिन ये हमारा भी ये भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये रहा है प्रोफेशनली भी, भी ऐसे लोग जो सबको अकोमोडेट कर लेते हैं जो विन विन बिल्ड कर लेते हैं जिनको लेकर चलना आता है तो मर्द को कम अज़ कम उसमें यह खूबी ज़रूर होनी चाहिए कि उसने इसको साथ लेके अब चलना है लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझता हूं इस तरह के माशरे में मर्द को खुशहाल होना चाहिए इससे बड़े मसले हल हो जाते प्रॉब्लम जैसे ही वो खुशहाल नहीं होता अगेन आपका टॉपिक इकोनॉमिक्स सर सो मसले सर उठाते यानी मैंने मुझे हमारे बड़े ही अच्छे एक बिजनेसमैन है मेरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं तो मैं उनको कोट कर देता हूं इम्तियाज रफी भट अब रफी वट साहब का बेसिकली तो हाउसिंग का बिजनेस है लेकिन रफ़ी वट साहब बड़े पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं मैं बड़ा माम हमेशा उनसे मुतासर हूँ उनको सेवेंटीज़ में उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू की और बड़े बड़े अच्छे हवाले देते हैं उन्होंने मुझे एक बड़ी मज़े की बात की उनका शाह साहब ये जो पैसे हैं ना ये बड़े मसले हल करते हैं मैं कह जी किस तरह कहते जी बूढ़ी बहुत ही खप पा रही है ना उन्होंने पैसे देकर शॉपिंग कर रहा तू मेरी जान झाड़ते अच्छा बच्चा बहुत तंग कर रहा है ना तो उनको फट पैसे अमरीका तो पढ़ ल यानी आपके पैसे बड़े चीज़ों के आपको रस्ते दे देते हैं दरअसल पैसे आपको क्या दे देते हैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ चॉइस इंतखाब बाइंग खरीदना बड़ी चीज़ों के सोल्यूशन खुशहाली में पड़े होते हैं और आप देखें कि जो जो गुरबत है उसे बचने की भी दीनी तौर पे भी एक काम है कि मना फरमाया गया गुर्बत कोई अच्छी चीज़ नहीं है खुशहाली अच्छी चीज़ है तो मर्द को अपनी ज़िंदगी की स्ट्रेटजीज में तय करना चाहिए कि मुझे फाइनेंशियली अमीर तो नहीं कम से कम खुशहाल ज़रूर होना चाहिए या सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए या मेरी फैमिली मेरे पे अगर डिपेंड करे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तो ये बड़े बुनियादी चीज़ें जो मैं मर्दों को बाकी किरदार अखलाक ये सारी वो आ, वो तो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं साथ अब मेरा सर एक क्वेश्चन है यहाँ पर इसे हम क्लोज करेंगे मेरा सर आपसे सवाल ये कि आपको मैं क्योंकि हमारी एक दोस्ती का एक बड़ा टाइम है उसके मुख्तफ अदवार हैं आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट हैं यानी ये नहीं कि मैं वीडियो है रिकॉर्ड हो रहा है मैं तौर पर भी जानता हूं और इसमें कोई मुबालगा नहीं कि आप एक ईमानदार अफसर टू सी होता ना सर सी सी जिसे कहते हैं हम सिविल सर्विस में कम्पिटेंट एंड करेक्टर वो दोनों सी आप पे ऑलरेडी मौजूद हैं ये मैं नहीं कह रहे महकमे कहते हैं इदारे कहते हैं कि उमर आज साहब सी सी हैं टू सी हैं उनपे अब सर सी सी होने के बाद आपका एक कॉमन में टॉप है आप एक पुलिस ऑफिसर हैं ऑबियस है जब बंदा सिविल सर्विसेज में होता है तो इंतखाब होता है कि बंदा फिल करता है कि मैंने पीएसपी एस पी बनना प्रायोरिटीज़ लिखता है अपनी आप पुलिस में आ गए आपने सर्व किया मुख्तलि जगह आपकी पोस्टिंगस रहीं इस वक्त भी आप पुलिस में सर्व कर रहे हैं आप एस एस पी हैं लेकिन ये मैं तो जानता हूँ मैं चाहता हूँ पब्लिक सुन रहे मेरे सवाल के बहाने आपकी ये कन्वर्जन सिविल सर्वेंट से एक स्पीकर एक दानश्वर एक सिखाने वाला एक मुबल्लग एक माशरे में दानिश की किताबों की बात करने वाला ये सफ़र कैसे तय हो गया ये सफ़र ये हमारे साथी भी बैठे हैं इनके लिए भी देखें सफर जो होते हैं ना वो जती से इजतमाही होते हैं जाती से, है। जाती से जिस बंदे ने जाती सफर ना किया हो वो फिर कभी इजतमाही नहीं कर सकता जैसे आप बात कर लें कि कोई बंदा लोगों को अच्छे काम की तलकिन करे अगर वो उसने खुद नहीं किए ना तो वो उसके लिए वो सारे अल्फाज जो है ना वो खोखले ही होंगे जिस तरह उससे पहले हमने काउंसलिंग की बात की कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो पहले आपके पास खुद भी होनी चाहिए ठीक हो तो सबसे पहला जो सफ़र होता है वो तो होता है आपका अपना अच्छा मेरा जो सफर था मैं ये सारे मेरे कुछ बुजुर्ग हैं कुछ भाई हैं बहनें हैं बैठे हैं मेरा जो सफर था ना वो हर सफर में आप जिंदगी से ना कुछ सबक सीखते हैं और बंदा जो सबक सीखता है ना वो उसके लिए वही दानिश होती है ठीक हो गए जो सबक सीखता है हाँ हाँ दानिश बाहर से लेना बड़ा मुश्किल बड़ा है। है। वो अपने ही सबक अपने ही सबक उसके लिए दानिश अपने सफर से सबक हाँ वही नाम दानिश मेरी नजर में वो उसकी दानिश यही है कि वो मेरे मैं ये एक और कॉल बड़ा पसंद है और मैं लोगों को कहता हूँ कहते हैं जी आप अपनी इस पर अपने काम पर फिर लात ना मार दें मैंने कहा जी आप मैं आप किसी के इल्म से इल्म हासिल कर सकते हैं किसी की दानिश से दानिश नहीं हासिल कर सकते वाह 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 क्योंकि तजुर्बा तो ही नहीं है उसका हाँ उसके वो तो उस पर फिट नहीं आता ना इल्म से इल्म हासिल कर सकते हैं मैं आपको इल्म दे सकता हूँ जो मुझे आता है नॉलेज मुझे दानिश नहीं दे सकता ये आपने खुद हासिल करनी है मैं रास्ता देखा वो जो दानिश हासिल करते हैं ना उसके सबक बड़े होते हैं मसल जो बंदा बचपन में जिसने ये देखा हो ना फ्यूडल या रूरल कल्चर तो उसको लगा होगा यार पावर बड़ी चीज़ है कराची में मैं रहा हूँ तो उनको लगता है पैसा बहुत बड़ी चीज़ है किसी को लगता है यार फैमिली में अफसर बड़ी चीज़ है किसी को वो जो जो आपके सबक होते हैं ना आप उसके लिए ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं फिर जो उसके मीन्स हैं वो भी आपने किसी जो सिफारिश से जिसने देखा होता है उसको लगता है सिफारिश बड़ी चीज़ है किसी जो कारोबारी करता है तो मेरी जिंदगी का सबक भी सिर्फ मुझ पर अप्लाई होता है। मैं तो सिर्फ रास्ते के लिए होता मेरी जिंदगी का ये सबक था कि यार ये जो इल्म है ना ये बड़ी चीज़ है बड़ी खूबसूरत बात बस ये मुझे ये मेरी फहमी ये आपका दानिश है ये खुशी ये <laughs> समझ लिया <नहीं। laughs> वो इसलिए कि मैं जब पैदा हुआ तीन साल का था तो मेरे वालिद की डेथ हो गई मैं अकेला था मीन्स भी नहीं थे तो मेरे परवरिश मेरे मेरे मामू ने की मेरी वालन जो थी वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी उनके भी मे तो उन्होंने एक बार की उन्होंने कहा यार तुम लोगों की वो जो रात को कहते थे रोज़ की तुम लोगों की ना तो कोई फैक्ट्री है ना कोई ज़मीन है ना कोई चीज़ है तो तुम लोगों के पास जो है ना हम सब बहनों भाइयों को अजीज़ों को भी कि तुम लोगों के पास ना सिर्फ ना किताबें ही हैं वाह तो हम इस सोच से बड़े हुए कि यार हमारे पास कोई चीज़ नहीं है कोई बैंक अकाउंट नहीं है कोई ऐसी चीज़ थी जिसे पे यू कैन फॉल बैक ऑन और हम तो आपस में मजाक करते थे कि हम तो मतलब सैयद भी नहीं है <laughs> <laughs> तो, आ, पीर आम से आम से बंदे हैं ठीक है जो आम तरीन एक बंदा हो सकता है ना बिल्कुल जिसका कोई जिसके अंदर कोई वो ना हो कोई फॉल्ट नहीं है लेकिन कोई चीज़ नहीं है अब उसके बाद से मैं यहाँ तक पहुँचा कि मैंने मुकाबले के इम्तिहान में मेरी पोजीशन आई सिर्फ मुकाबले के इम्तहान में पोजीशन नहीं आई मुझे तकरीबन उस वक्त तो मेरी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि हमें नौकरी मिल जाए तो मुझे चौदह या पंद्रह पंद्रह गालबन अभी तक मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है जब मैं नौकरी लेना चाहा और ये इसी दौर की बात ये दो कल दो की, दो दो की बात है दो हज़ार दो तीन चार चार पाँच तीन चार पाँच तो अब मैंने कहा ये नौकरी मुझे बैंक में नौकरी मिल गई मुझे मुझे यहाँ तक अजीब व गरीब नौकरियाँ रेडियो पाकिस्तान में एक अखबार में कोई ऐसा पाकिस्तान का महकमा नहीं है जिसम में, में, में में। ने वो की 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 किया वो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके अलावा भी फिर मुझे ये थी कि यार मैं ना अच्छी जगहों पे पढ़ूं तो मैंने शुरू किया वैसे तो कैंट स्कूल से उसके अलावा मैं ज़िम्मेदार कॉलेज गुजरात में भी पढ़ाऊँ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा कायद यूनिवर्सिटी में पढ़ा उसके बाद मुझे लम्स में स्कॉलरशिप मिल गया मुझे अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिला मुझे ऑस्ट्रेलिया में मिला फिर मुझे ख्वाहिश हुई कि मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिले दुनिया की नंबर है मुझे वहाँ पर भी स्कॉलरशिप मिल गया एक करोड़ रुपया उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में भेज दिया आप आके पढ़ें फोर्ड फाउंडेशन मैं नहीं जा सका फैमिली की वजह से लेकिन आई है इट सो मुझे कोई ख्वाहिश नहीं रही कि यार मेरे लिए ये प्रस्टीज थी तो मुझे मिल गई तो उसके बाद जब मैंने ये सोचा है कि यार ये मेरी जिंदगी का सबक है कि अगर आपके पास कुछ ना हो कोई मीन्स नहीं है कोई कपड़े भी नहीं हैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है ख्वाहिश भी वैसे नहीं थी लेकिन तो अगर आप मैं इस सफ़र पे चलें तो आप कहीं पहुंच सकते ठीक है दूसरा जो स्टेप आया ना जो आप स्टेप की बात की वो ये आया कि चार पाँच साल पहले मैंने ये देखा कि लाइवलीहुड जो है ये जो होती है ज़िंदगी में रोज़ी कमाना इसके अलावा भी बड़े मसाइल हैं मैंने अपने इर्द गिर्द देखा कि लोगों में डिप्रेशन है मैंने देखा कि फैमिलीज़ जो हैं वो ब्रेक हो रही हैं आपका एक्सपोजर होता है ना मैंने ये देखा कि लोग जो हैं एडिक्शन की तरफ़ जा रहे हैं और अपनी सेहत सेहतें भी ख़राब कर रहे हैं तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि इसके क्या हैं तो मुझे मेरे पास तो सिर्फ एक ही सोर्स था किताबें तो वो मुझे किताबें मिलना शुरू हो गई तो मैं मैंने आपसे डिस्कस करा था मैंने एक दिन सवाल किया अपने आप से कि यार हैप्पीनेस क्या है तो मैंने कहा मैं किताब का मेरा सिंपल असूल है मैं कहता हूँ कि उस मौजू की बेस्ट किताब मैंने ढूंढी क्योंकि जिंदगी बहुत मुखसरा है किताबें बड़ी ज़्यादा है तो मैं कम अज़ कम एक महीना लोगों से पूछता रहा कि यार हैप्पीनेस पे बेस्ट किताब मैंने ई मेलें कि लोगों को मुझे उन्होंने कहा यार डैनियल गिलबर्ट की किताब हैप्पीनेस पर अभी तक जो लिखी गई हैं अच्छा जो अवेलेबल बेस्ट है वो ज़रूरी नहीं मौजू का हाथा भी करे लेकिन अवेलेबल बेस्ट हैप्पीनेस पर यही है तो एक दिन मैंने सवाल किया यार क्रिएटिविटी पे बेस्ट किताब कौन सी तो मैं काफ़ी देर पूछता रहा तो मुझे पता चला कि एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट है मेहन मेहंतल है बड़ा मुश्किल नाम है तो उनकी बेस्ट तो ये एक काम है उसके बाद फिर जब वो मैंने किताबें ढूंढनी शुरू की तो चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो मुझे किसी ने कहा कि यार तुम ये मैंने लोगों को बताया किताबें पढ़ लिया उसने कहा यार और किताबों में भी ये लिखा होता है कि अगर आप अपनी किताब को एक्सप्लेन करें ना तो आपको ज़्यादा याद रहती सही जी। तो मैंने बुक रिव्यूज़ लिखने शुरू कर दी वो बुक रिव्यूज़ मुझे नहीं पता था कि कोई पढ़ेगा भी फेसबुक पे डाल दिए फेसबुक पे मुझे तस्वीरें मैं कोई तो इतना खुश शक्ल था नहीं कि अपनी तस्वीरें डालता और लोग उसको देखते तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं ये फेसबुक पे क्या डालूं ना मेरी कोई ज़िंदगी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि कभी कि किसी मुल्क में जा रहा हूँ वहाँ पे खड़ा हूँ ना मेरे पास कोई गाड़ियाँ थी कि गाड़ी के सामने खड़े होकर फोटो खिंचा लो <laughs> गाड़ी के सामने फोटो खिंचा तो मैंने यार मैं मैंने सोचा है एक्चुअली कुछ तीन साल से इसको वो कोट कर दें वो काके मरने वाली बात को नहीं वो किसकी वो मस्ताने की है वो आप अक्सर वो कोट करते हैं

तो एक बंदा जो है ना और वो इतना इस ये तो बोतल तो छोटी है ना वो इससे भी बड़ा होता है तो वो फोन दिखाते हैं कि चार पांच ये सारे जो वेले हैं ना ये वॉक कर रहे होते तो सामने से एक बंदा जो है ना वो उसने ये पकड़ा हुआ है पाक टहलो इतना बड़ा ना इतना थोड़ा जितना बड़ा तो ये उसके पास जाके उसे कहते हैं कि यार तुम जो वॉक करने आए हो सुबह का वक्त है परिंदे चहचहा रहे हैं तुम इसको साथ ले आए हो तुम्हें कोई बंगला नहीं सर पे उठा सकते थे अपने सर पे बंगला रख लो दूसरे ने कहा गाड़ी जेबिज पाला नहीं सी तो इसलिए मैंने कहा जेवर भी इस दाल मोटे पे चुक लेना कि भाई तुम आए तो वो हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें बयकूव कर दो मेरे पास थी नहीं तो मुझे दिखाएं मेरे पास फेसबुक जो है ना वो बुनियादी तौर पर आपका फेस है जो आप दुनिया को दिखाते हैं ठीक है तो मेरे पास ना कुछ नहीं था दिखाने के लिए ना कोई शक्ल थी ना कोई वसायल थे कि मैं कुछ शो ऑफ करूँ और मैंने उस पर मुझे यकीन था कोई नहीं पढ़ेगा इसके बावजूद लोगों ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने फीडबैक देना शुरू कर दिया किसी ने कभी पचास लोगों ने पढ़ लेना कभी सौ ने पढ़ लेना अब तो मैंने किताब पर पढ़ उसके बाद फिर मुझे किसी ने कहा कि जनाब आप इसको ना वीडियो बना दिया ठीक हो गया वो वीडियो किताब की वीडियो उस तरह बनी दूसरा जो उससे पहले चूंकि आप मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो चुके थे तो आपने मुझे खींच के इस रोस्टरम पे खड़ा कर दिया ऐसे वैसे आप तैयार थे पहले खड़ा तो आप तो वो उससे पहले आपने इस रोस्टम पे खड़ा कर दिया उस रोस्टम को भी आपने वीडियो वो भी लोग देख रहे हैं बाकी जो किताब पढ़ रहा हूँ उसकी मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ तो आपने मुझे पकड़ के इधर खड़ा कर दिया और मुझे प्लेटफॉर्म कर दिया तो वो जिस तरह लॉन्च नहीं होता बंदा तो वो लॉन्च हो गए तो अब मैं सिर्फ आप लोगों से और जो लोग सुन रहे हैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ किताब पढ़ना जो है वो दुनिया का आसान तरीन काम है लेकिन उसके बावजूद हम नहीं करते क्यों नहीं करते वो इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हमारी स्कीम ऑफ थिंग में ना कहीं गायब हो गया स्कीम ऑफ थिंग होती है ना बंदे की उस स्कीम ऑफ थिंग में ज़्यादातर लोग वही करते हैं जो इसकी उनको आदत होती है तो वो हम नहीं करते हम हमें उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता हमें उसका एक हम दो किस्म के काम करते हैं एक जो हमारी बॉडी हमसे डिमांड करती है खाना हमारी बॉडी डिमांड करती है नींद हमारी बॉडी डिमांड करती है कुछ काम ऐसे करते हैं जो हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे करते हैं हमें कोई बड़ा बंदा मिल जाए हम उसका फ़ोन नंबर ले लेते हैं वो हमारा ख्याल होता है कि ये ट्रांसलेट होगा किताब उसमें मैटर नहीं कर रही लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको देखें तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये किताब उस उसके अंदर कुछ ना कुछ बेहतर कर रही आप, आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में एक्सपर्ट हैं मैं तिफिल मकतब कहूँगा अपने आप को ट्रेनिंग का जो बुनियादी एक असूल है चेंज का भी ऑर्गेनाइजेशन में कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड जो है उससे इंटरनल रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन करता है external? External की नस्बत इंटरनल हंड्रेड परसेंट मज़हब का असूल भी यही है देखिए अपने लिए की जाएगी तो कायम रहेगी किसी के लिए की जाएगी आहिस्ता खास जाएगी अगर आप अपने लिए किताब पढ़ेंगे तो इसलिए ही उस वहाँ पर भी यही अप्लाई करते हैं कायम रहेगी बहुत रहे अच्छी मिसाल बहुत ही अच्छी मिसाल दूसरी बात यह है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि बिल्कुल किताब ना पढ़े अगर आपकी कोई फैक्ट्री है अगर आपकी प्रॉपर्टी है अगर आपका बहुत आपका ऐसा कारोबार है को पैसा जिसमें आपको पैसे मिल जाते हैं बचपन में मैं ख्वाब देखता था तो मैं अक्सर ख्वाब ये देखता था कि यार बस और ये हो जाए ना सुबह उठे बस तकिए के नीचे से ज़्यादा नहीं दस हज़ार रुपया डेली पड़ा हो बस आपका कोई ऐसा इंतज़ाम है उसके अलावा आपको पक्की पकाई कहीं से मिल जाती है पक्की पकाई के अलावा आपके दिमाग कि फ्राफ़ उसकी ग्रोथ के मौाक़े हैं तो बिल्कुल किताब ना पढ़े दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े थिंकर हैं ना उन्होंने किताबें पढ़ी नहीं हैं सोचा ज़्यादा है उनको अल्लाह ताला ने ऐसा टैलेंट दिया था आप वो थिंकर हैं रस्तों हैं हाँ फिर भी, भी पड़ें। ना पढ़े ना पढ़े बिल्कुल क्योंकि आपके अंदर ऐसे लोग हैं सही जी अक्सर लोग ये कहते हैं फलाना किताबें नहीं पढ़ता मैंने कहा यार अल्लाह ताला ने इंसान में ना बड़ा कुछ दिया कई लोगों को उसने ऐसी सलाहियत दी है देखिए किताब जाते ख़ुद नहीं है कुछ नॉलेज जो है वो ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस रीडिंग तीनों का एक मजमुआ होता है किसी बंदे की ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग है और अल्लाह ताला ने उसके जहन में वो सलाहियत दी है कि वो उस ऑब्जर्वेशन को इस तरीके से कैलकुलेट और एनालाइज करता है कि उसके नतीजे परफेक्ट होते हैं तो वो ना पढ़े भेजा लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप में से ज़्यादा लोग वो नहीं है सही जी सुत नहीं, नहीं है हाँ और अगर वो आप हैं भी तो अगर आप समझेंगे तो फिर आप नहीं रहेंगे बिल्कुल सही ठीक हो गया सो so, अगर आपके पास बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा फैक्ट्रियाँ और इस किस्म की है तो आप बिल्कुल ना पढ़ें लेकिन नन्नवे फीसद लोगों के पास ये चीज़ें नहीं है बिल्कुल सही जी तो आपके पास लोग दुनिया को दिखाने के लिए क्या है मेरे पास दुनिया को दिखाने के लिए और कुछ नहीं था मैंने आपको बताया था और किताब ना कोई ना कोई शक्ल थी ना कुछ और था तो मैंने वो दिखा दिया आप ये सोचें आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते अपना ब्रांड क्या बनाना चाहते शाहर आप अपना ब्रांड ये बनाना चाहेंगे कि आप बड़े नेक हैं मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग नेकी को समझते हैं क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं यार मैं नेक हूँ बड़े मैं कहता हूँ यार ये कोई शहान तो नहीं है तो फ़र्ज है इसमें क्या है बड़ा काम मुझे सरकार में हम होते ना, हैं ना कहते हम बड़े ईमानदार हैं तो मैंने कहा ये तो ड्यूटी है ना मतलब आप ये चो पता कह मैं चोरी नहीं करता मेरा एहसान है कोई एहसान नहीं है ठीक है आप नेक हैं आप इबादत करते हैं फर्ज ये आपका फर्ज मेरा फर्ज है हमने हम दुनिया में पैदा आए इसलिए हुए हैं कि ये फर्ज निभाएँ कम अज़ कम उसके बाद आपने खुद अपने अपने लिए क्या ब्रांड बनाया बिल्कुल ठीक बात है तो वो आप मेरी नज़र में तो वो जो हम सारे जिस तबके के लोग हैं और जो जिस इंडस्ट्री में हैं उसका ब्रांड नॉलेज ही है चाहे आप नॉलेज सीकर बन जाए अभी नॉलेज एक्सपर्ट ना बने तो आप अगर ये ब्रांड लेंगे तो मुझे तो फ़ायदा होगा उम्मीद है आपको फायदा होगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू